लेकिन हम आप जैसे वैसे ही नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, लेकिन फर्क कहां है? फर्क इनके चेहरे में और हमारे चेहरे में फर्क है। लेकिन ये इतना भयंकर नुकसान देता है ये जो फर्क एक देश के नाते, एक समाज के नाते हम लोगों को, कि अगर किसी को पता नहीं है और गुरुजी अपने नॉर्मल ड्रेस में अगर नीचे उतरकर रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो क्या बोलेंगे यहां के लोग उनको? शायद कोई चाइना से व्यक्ति आया है, चाहे कोई सिंगापुर से आया है, कोई कहेगा भूटान से आया है, हिंदुस्तानी छोड़कर बाकी सब उनको देश के निवासी के नाते पुकारेंगे। देखिए, जो मन से हिंदुस्तानी है, जो इस देश को अपना मानता है, देश पर प्रेम करता है, लेकिन अपने ही देश में जब उसको विदेशी कहा जाता है तब उसके मन पर क्या गुजरती होगी? मराठी में कहते हैं जावे ते अच्छा देशा ते वहां कड़े। तो बिल्कुल जब तक हम उस अनुभव से नहीं गुजरते हैं तब तक हमें वो पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे कितनी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, ये मुंबई ने गए 2 साल पहले एक 2 दुर्घटनाएं देखी, मैं आपको याद दिला दूंगा। मुंबई मैराथन होती है, यहां पर दौड़ पड़ते हैं सब लोग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक उसको चलाती है। इस साल की मैराथन छोड़ दीजिए, पिछले साल की मैराथन याद कीजिए, और जैसे ही मैराथन में जब से चालू हो गई सारे विदेशी आते हैं, और पहले दूसरे तीसरे तो विदेशी ही हो जाते हैं, जरा शरीर से ज्यादा हट्टे कट्टे रहते हैं, अपने प्रयत्नों में सब लोगों से थोड़ा आगे रहते हैं, तो अब भारतवासी उसमें दौड़े तो उनको क्या प्रलोभन है अगर विदेशी ही आकर जो है पहला दूसरा तीसरा अवार्ड लेने वाले है। तो इसलिए बाद में उन्होंने भारत से पहला, भारत से दूसरा, भारत से तीसरा ये अवार्ड चालू किया। पिछले साल के मैराथन में भारत से पहले दूसरे तीसरे को मंच पर खड़ा करके उसके गले में माला विला पहनाकर मेडल डालकर डिक्लेयर कर दिया कि ये भारत से पहला दूसरा और तीसरा। और बाद में एक लड़की आगे आ गई और जिसने कहा कि भाई आपने इनको भारत से पहला कहा है, लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूं और ये जो भारत से पहला आपने डिक्लेयर किया है इससे बहुत पहले मैं आई हूं। आयोजक बोलते अरे तू तो हिंदुस्तानी लगती नहीं है, केवल उसके अलग चेहरे से अरुणा देवी जो मणिपुर की थी उसको पहला आने के बावजूद पहलापन नहीं दिया गया, इसका कारण उसका चेहरा हम लोगों के चेहरे से मिलता जुलता नहीं है। यह भी कोई बात हो गई? अगर हमारे देश में आज 3.5 करोड़ की आबादी है जो नॉर्थ ईस्ट में है, जिसमें कम से कम 1.5 करोड़ आबादी अगर इन चेहरों की है, तो शायद 1.5 करोड़ आबादी के ऐसे छोटे छोटे साउथ ईस्ट एशिया में देश नहीं होंगे कि जिसमें इतनी आबादी होंगी। तो ये हमारे देशवासी है, लेकिन हमारे देश के अंदर उनका अपमान, ये अरुणा देवी की अकेली की घटना नहीं है। 3 साल पहले यहां पर गेटवे ऑफ इंडिया में 2 लड़कियों के ऊपर चाकू से किसी एक माथे फिरू ने हमला किया, और मीडिया के मेरे बंधु यहां पर उपस्थित है, लेकिन उस समय क्या मीडिया पर बाइट आ रही थी, विदेशी महिलाओं के ऊपर हमला, विदेशी महिलाओं के ऊपर हमला। मुंबई की नागा स्टूडेंट्स यूनियन गुस्सा हो गई, दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि क्या यही ज्ञान है आपका भारत के बारे में? ये दोनों लड़कियां नागा लड़कियां थी जो मणिपुर के उखरुल जिले से थी। क्या है ये उखरुल जिला? जाइए महाभारत में, उलूपी कुल, अर्जुन ने जिस उलूपी से विवाह किया उस उलूपी का कुल, इसलिए उखरुल। और हमारे बर्मा के बॉर्डर पर जो उखरुल डिस्ट्रिक्ट है वहां की 2 लड़कियां, लेकिन हमारे यहां पर विदेशी बन जाती है, और मीडिया तक जब उनको विदेशी विदेशी कहना शुरू करता है तब ये सारे लोग आहत हो जाते हैं। चाहे औरंगाबाद में अजंता एरोला देखने के लिए चले जाएं, वहां पर देखने के लिए जो है 2 अलग अलग टिकट रहते हैं, हिंदुस्तानियों के लिए सस्ता टिकट, विदेशियों के लिए महंगा टिकट। ये तो ठीक है, मुझे इसमें कुछ दुख नहीं लगता, जो हमारा धन एक जमाने में लूट कर गए हैं उनसे थोड़ा धन अगर हमने इस बहाने निकाल लिया तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे ही भारत के नॉर्थ ईस्ट के लोग वहां पर जाते हैं वेरूर देखने के लिए, अजंता देखने के लिए, और उनको विदेशी करार देकर विदेशियों के लिए रखा हुआ जो महंगा टिकट है जब उनसे मांगा जाता है तब उनके